मुंबई पुलिस ने एक्ट्रेस पायल रोहतगी को ट्विटर पर कर दिया ब्लॉक। इसके चलते पायल ने सीधे गृह मंत्री अमित शाह से मांगी मदद। जी हां, आपको बता दें कि आखिर मामला क्या है। दरअसल पायल ने एक ट्वीट किया और पायल ने ट्विटर पर मुंबई पुलिस के ब्लॉक किए जाने का स्क्रीनशॉट लगाते हुए पूछा, मुंबई पुलिस ने मुझे ब्लॉक क्यों किया? हिंदू होने के नाते और पुलिस का ऐसा रवैया देख मुझे अब हिंदुस्तान में रहने से डर लगता है। मुझे अब समझ में आया कि क्यों मेरा परिवार मुझे हिंदुओं के लिए बोलने से मना करता है। इसके बाद पायल ने गृह मंत्री अमित शाह को भी इसकी शिकायत कर एक मेल लिखा, जिसका स्क्रीनशॉट उन्होंने ट्वीट भी किया है। साथ ही पायल ने गृह मंत्री को लिखे मेल में एक वीडियो लिंक भी जोड़ा, जिसमें एक्टर एजाज खान को पायल के लिए कई अपशब्दों का इस्तेमाल करते हुए देखा जा सकता है। और इन सभी विवादों के बाद मुंबई पुलिस ने भी पायल को अनब्लॉक किया और कहा कि किसी टेक्निकल प्रॉब्लम के चलते ऐसा हुआ, जिसकी जांच जारी है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता ने भी पायल का सपोर्ट किया है। खैर, स्टोरी पर आपका क्या रिएक्शन है कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसे अपडेट के लिए देखिए हमारे चैनल को।